मानसून को देखते हुए महानगर जोन एक के प्रभारी व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने रविवार को नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी के साथ इलाहीबाग डोमिनगढ़ में रेगुलेटर पंपों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने रेगुलेटर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 नंबर के रेगुलेटरों को चलाकर गहनता से जाँच की और रेगुलेटर ऑपरेटर को निर्देशित किया कि सभी पंपिंग सेट को ठीक ढंग से चेक कर ले। अगर कोई पंपिंग सेट काम नहीं कर रहा है तो उसका रिपेयरिंग करा दे और सभी उपकरणों को ठीक ढंग से रखे ताकि बारिश के समय यह उपकरण काम कर सके और जल निकासी की कोई समस्या ना उत्पन्न हो पाए। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के छोटे बड़े नालों की सफाई का भी निरीक्षण किया तथा कमियों को दूर करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जोन एक के प्रभारी व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए आने वाली जो बरसात है उस दृष्टिगत जो शहर में बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं और मझले नाले हैं, इसके अलावा जो भी बांध हैं और रेगुलेटर्स हैं उनका निरीक्षण नगर निगम की टीम के साथ ज्वाइंट रूप से किया गया है और मूल रूप से जो जोन वन में जो नाले पड़ते हैं और जो भी बांध पड़ते हैं उस पर एरिया का निरीक्षण किया गया और नालों की सफाई का अभियान इस समय नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। उसका भी परीक्षण किया गया, देखा गया कि कितनी सफाई हुई, किस नाले में हुई है और कई ऐसे नाले मिले जहाँ थोड़ी बहुत गंदगी थी तो वहाँ पे बात करके वहाँ पे तत्काल ही वहाँ पे जो सफाई गैंग के लोगों से सफाई कराई जा रही है और हम लोग का पूरा प्रयास ये है कि रेगुलेटर्स की भी पूरी व्यवस्था एकदम चाक-चौबंद कर दी जाए और वहाँ पे ऑयलिंग ग्रीसिंग और नीचे कई बार ऐसा होता है कि अत्यधिक कूड़ा वहाँ पे पड़ा रहता है या विस्टेज रहता है जिस कारण पानी चौकने की समस्या रहती है, तो हम लोग ये सब भी देख रहे हैं और इन सब पहलुओं विचार करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ये पूरा निरीक्षण किया गया है और पूरा प्रयास ये रहेगा कि जल निकासी में किसी भी तरह की आने वाली बरसात में समस्या ना हो।